क्या आप चाहते हैं अपने वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालू और मेरे चैनल लालू नैना गायन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताए हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड में कैसे जोड़ सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पूरा अच्छे से देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेट हौसला मिलता है अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि आप अपने आधार वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर एग्री कर दीजिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, लैंग्वेज को चॉइस कर लेना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है तो ऐसा पेज खुल के आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से पर्सनल वॉलेट है, यहाँ इस पर क्लिक करना है। यहाँ बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। यहाँ मोबाइल नंबर डाल के सेंट ओटीपी पे क्लिक करना है तो लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप अपना पहले से लॉगिन करके रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो न्यू यूजर पे जाके अपना न्यू यूजर आईडी बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ से मोबाइल नंबर आ गया है, यहाँ ओटीपी डाल दिए हैं, यहाँ पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा पेज खुल के है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा ये। उसके बाद आपको यहाँ ईपिक डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं फिर से ऐसा पेज खुल के आया। अब आपको यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फॉर्म 8 पे जो है, यहाँ फॉर्म 8 इस पर क्लिक कर देना है और लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो एस करना है, तो एस कर देते हैं। यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर को फिलअप करना है और फेस डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो करके दिखाते हैं आपको। आईडी कार्ड नंबर डाल दिए, फेस डिटेल पे क्लिक किए, फेस डिटेल पे जैसे क्लिक किए उसके बाद करना क्या है, यहाँ प्रोसीड है नीचे, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा सारा आपका नाम उम सारा कुछ आ जाएगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ से नाम आ गया, यहाँ पर अपना आधार नंबर भर देना है और जो मोबाइल नंबर को आप डालना चाहता है वो डालना चाहते हैं वो फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी फिलअप कर देना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको करके दिखाते हैं एक बार, देखिए करके दिखाएं। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ से एक ईमेल आईडी कोई भी डाल देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, दूसरा नंबर पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़ ठीक करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के आगे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर फिर से एक बार डाल देना है जो मोबाइल नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ टिक लग गया है, यहाँ प्लेस अपना एक बार भर दें और प्लेस भरने के बाद देखिए प्लेस भर दिए, उसके बाद क्या करना है डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये एक बार फिर से बोल रहा है देखने, सारा कुछ देखने के बाद कंफर्म जैसे कीजिएगा, देखिए कंफर्म जैसे कर रहे हैं तो थैंक यू और रेफरेंस आईडी भी आ गया है। तो एकदम सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रेफरेंस आईडी को कॉपी करके रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कहीं से भी आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा, थैंक यू लिखा हुआ है, सक्सेसफुली एप्लीकेशन डेट भी आ गया है, सारा कुछ आ गया है, आप इस रेफरेंस आईडी को कॉपी करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।